हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एडसॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में। कॉलम क्रोमेटोग्राफी आपका दो तरीके से होता है, एक होता है आपका एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और दूसरा होता है इसमें पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। हमारे सिलेबस में दोनों तरह का दिया हुआ है, इसीलिए आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले एडसॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी को कवर करेंगे। एडसॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो एडसॉर्प्शन पे बेस होता है, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑन देयर एडसॉर्प्शन और रिलेटिव एफिनिटी टूवर्ड्स स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज हम यहाँ पर सॉलिड यूज़ करते हैं, ठीक है, एडसॉर्प्शन में जहाँ भी आएगा हम स्टेशनरी फेज सॉलिड का यूज़ करेंगे। ये जो आपका सॉलिड है इसी में हमारा जो भी कंपोनेंट है या एनालाइट है वो एड्सॉर्ब होता है और अपनी एफिनिटी के अकॉर्डिंग सेपरेट होता है। तो ये इसका एक बेसिक प्रिंसिपल होता है। देखिए, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। एब्जॉर्प्शन आपका इंटरनल फेनोमेनन होता है जिसमें कंपोनेंट आपके मॉलिक्यूल को पेनिट्रेट करके इंटरनली पहुँच जाते हैं, लेकिन जो आपका एड्सॉर्प्शन है वो सरफेस फेनोमेनन होता है, ठीक है, इसमें आपका जो भी कंपोनेंट है या मॉलिक्यूल है वो सरफेस में एड्सॉर्ब रहता है। तो जो कंपोनेंट्स हैं वो अपनी एफिनिटी के अकॉर्डिंग कॉलम में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हाई एफिनिटी स्लो ट्रेवल, लो एफिनिटी फास्ट ट्रेवल। देखिए, अगर आपके कंपोनेंट का जो एफिनिटी है स्टेशनरी फेस के टूवर्ड्स अगर वो ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा एफिनिटी अगर वहाँ पर रहेगा तो वो स्लो ट्रैवल करेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है कि वो जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो उस कंपोनेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, या फिर वहाँ पर एफिनिटी है एक टाइप की, ठीक है, तो वो उसकी स्पीड को कम कर देते हैं क्योंकि वो उससे अट्रैक्टेड है, तो वो धीरे 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 ट्रैवल करता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपके एनालाइट की एफिनिटी स्टेशनरी फेस में लो है, ठीक है, वहाँ पर कोई भी एफिनिटी नहीं है या काफ़ी कम एफिनिटी वहाँ पर है, तो उस केस में जो आपका कंपोनेंट है वो जल्दी ट्रैवल करेगा और जल्दी सेपरेट होके बाहर आ जाएगा। तो ये आपका एक बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पर होता है। अगर ज़्यादा एफिनिटी होती है तो जो ट्रैवलिंग का स्पीड है वो कम हो जाता है, और जैसे ही आपकी एफिनिटी कम होती है जो ट्रैवलिंग का स्पीड है वो बढ़ जाता है। तो ये आप यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। अब इसमें हमारा नेक्स्ट आता है मेथडोलॉजी, कि ये जो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है उसे हम कैसे परफॉर्म करते हैं, इसके क्या मेथड होते हैं। तो मेथड में आपका दिया हुआ है सबसे पहले स्टेशनरी फेस या एड्सॉर्बेंट, ठीक है। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में हम जो स्टेशनरी फेस लेते हैं उसे हम एड्सॉर्बेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका दो नाम है, स्टेशनरी फेस भी इसे बोलेंगे और एड्सॉर्बेंट भी बोलेंगे। अब किसी भी क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करने के लिए हम सबसे पहले एक स्टेशनरी फेस को सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ स्टेशनरी फेस या फिर एड्सॉर्बेंट, ठीक है। स्टेशनरी फेस दो टाइप के यहाँ पर हमने लिखे हैं, ठीक है, एक को हमने डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू बॉन्ड स्ट्रेंथ और दूसरे को हमने लिया है अकॉर्डिंग टू नेचर। तो अकॉर्डिंग टू बॉन्ड स्ट्रेंथ और अकॉर्डिंग टू नेचर हमारे कितने टाइप के एड्सॉर्बेंट होते हैं। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम स्टेशनरी फेस को यहाँ पर तीन टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, वीक बॉन्ड स्ट्रेंथ, मीडियम बॉन्ड स्ट्रेंथ या फिर स्ट्रांग बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। वीक के यहाँ पर एग्जाम्पल्स होते हैं सुक्रोज, स्टार्च, टॉल्क। तो ये तीन तरह के जो एड्सॉर्बेंट है वो वीक बॉन्ड स्ट्रेंथ रखते हैं। उसके बाद आपका आता है मीडियम या इंटरमीडिएट, इसमें आपकी एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और Ca3P4O2, यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये दोनों टाइप के जो कंपाउंड्स हैं वो मीडियम बॉन्ड स्ट्रेंथ रखते हैं। तीसरे टाइप का इसमें होता है स्ट्रांग बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग में आपका आता है एक्टिवेटेड सिलिका, एक्टिवेटेड चारकोल। तो इस तरीके के जो एड्सॉर्बेंट है उसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस तरीके से हम बॉन्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग स्टेशनरी फेस को डिवाइड करते हैं। इसे हम नेचर के अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेचर में हमारा दो टाइप का नेचर आता है, एक होता है ऑर्गेनिक और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। तो देखिए, इनऑर्गेनिक का एग्जाम्पल होता है सिलिका जेल। सिलिका जेल आपका इनऑर्गेनिक का है, एल्यूमिना आता है इसमें, इसके अलावा किसलगर वगैरह भी इसी में आता है, ठीक है। तो आपका इनऑर्गेनिक में हमारे पास इस तरीके के एड्सॉर्बेंट होते हैं। और नेक्स्ट है इसमें ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में हम ले सकते हैं सेल्यूलोज या फिर चारकोल। तो इस तरीके से हम इसे नेचर वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये है आपके स्टेशनरी फेस के एग्जाम्पल्स जिसे हम अपने
कॉलम क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करते हैं, मेनली जब हमें एड्सॉर्प्शन वाला कॉलम क्रोमेटोग्राफी करना हो तो उसमें हम इन सारे तरीके के स्टेशनरी फेस का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है सिलेक्शन ऑफ मोबाइल फेस। मोबाइल फेस का सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो इसमें आपका दिया हुआ है आइदर लिक्विड या गैस। तो हमारा जो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होता है उसमें हम या तो लिक्विड मोबाइल फेस ले सकते हैं या फिर गैस मोबाइल फेस ले सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें GSC का, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, तो वो आपका एड्सॉर्प्शन के अंडर आता है, लेकिन उसमें हमारा जो स्टेशनरी फेस है वो सॉलिड होता है और मोबाइल फेस गैस होता है। ठीक वैसे ही आपका एड्सॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, इस केस में आपका जो स्टेशनरी फेस है वो सॉलिड होता है और मोबाइल फेस लिक्विड होता है, ठीक है। तो मोबाइल फेस में हम आइदर लिक्विड या फिर गैस का यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें हम गैस या लिक्विड ले सकते हैं। अभी हम यहाँ पर एड्सॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हम मेनली लिक्विड का यूज़ करते हैं, लिक्विड मोबाइल फेस हम यहाँ पर लेते हैं और उसमें भी जनरली हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो पेट्रोलियम इथर का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इथर का यूज़ कर सकते हैं, एसीटोन का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं, अल्कोहल्स हम ले सकते हैं जैसे मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, इस तरीके के अल्कोहल्स हम ले सकते हैं, CHCl3 क्लोरोफॉर्म का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे और भी जो बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे कि बेंजीन हो गया, पायरिडीन हो गया, तो ये जो बहुत सारे टाइप के आपके सॉल्वेंट हैं उनका यूज़ हम एज अ मोबाइल फेस कर सकते हैं। हमारा जो सॉल्वेंट का सिलेक्शन है वो हमारे सैंपल के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम मोबाइल फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा आता है इसमें प्रिपरेशन ऑफ कॉलम। प्रिपरेशन ऑफ कॉलम यानी कि हमें अपने कॉलम को कैसे बनाना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर डायग्राम अगर देख रहे होंगे तो ये जो आपका ब्यूरेट जैसा दिख रहा है इसे हम कहते हैं कॉलम, ठीक है। कॉलम के अंदर स्टेशनरी फेस हम फिल करते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ कॉलम, कि हमें स्टेशनरी फेस को कैसे उसमें फिल करना है, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ कॉलम में हम दो तरीके से स्टेशनरी फेस को फिल कर सकते हैं, पहला होता है आपका ड्राई पैकिंग और दूसरा होता है आपका वेट पैकिंग। नाम से पता चल रहा है ड्राई पैकिंग में क्या होगा, हम ड्राई पाउडर को या फाइन पाउडर को इसमें डालेंगे। तो ड्राई पैकिंग में आपका दिया हुआ है फाइन पाउडर ऑफ स्टेशनरी फेस इज फिल्ड देन मोबाइल फेस इज एडेड। हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले अपना एक ब्लैंक कॉलम लेते हैं। देखिए प्रिपरेशन ऑफ कॉलम के पहले हमें कॉलम को साफ भी करना होता है, हम उसे प्रॉपरली क्लीन करते हैं, ड्राई करते हैं और उसके बाद ही हम उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्लीन और ड्राई के प्रोसेस के बाद हम कॉलम को लेंगे और उसमें हम क्या करते हैं ड्राई पैकिंग के केस में, ध्यान रखेंगे अभी हम ड्राई पैकिंग पढ़ रहे हैं, ड्राई पैकिंग के केस में हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए सिलिका जेल हमें लेना है एज अ स्टेशनरी फेस, तो सिलिका जेल हम लेंगे और उस कॉलम में हम उसे डाल देंगे। अब हमारा जो सिलिका जेल है वो उस कॉलम में धीरे धीरे करके एक लिमिट तक फिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मोबाइल फेस को उसके ऊपर ऐड करेंगे, ठीक है। मोबाइल फेस जैसे ही ऐड करेंगे तो मोबाइल फेस आपका क्या होगा, नॉब को खोलते ही नीचे आने लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण मोबाइल फेस आपके नीचे के डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगेगा। इससे क्या होगा कि जो भी आपका स्टेशनरी फेस है वो मोबाइल फेस के साथ मिक्स हो जाएगा, या कहना चाहिए सैचुरेट हो जाएगा एक टाइप से, ठीक है, और आपका जो कॉलम है वो यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये होता है आपका ड्राई पैकिंग, जिसमें हम फाइन पाउडर डालते हैं अपने स्टेशनरी फेस का और उसके बाद हम मोबाइल फेस डालते हैं ताकि हमारा जो स्टेशनरी फेस है वो उस कॉलम में अच्छे से सेट हो जाए। तो ये आपका ड्राई पैकिंग होता है। दूसरा टेक्निक होता है इसमें वेट पैकिंग, वेट यानी कि गीला। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्लरी ऑफ स्टेशनरी फेस इज पॉर्ड। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो स्टेशनरी फेस है जैसे मान लीजिए सिलिका जेल हमने लिया, तो हम सिलिका जेल का इसमें पहले स्लरी बना लेते हैं मोबाइल फेस के साथ, ठीक है। मोबाइल फेस मान लीजिए हमारा कोई भी अल्कोहल है, ठीक है, तो सिलिका जेल और अल्कोहल को मिला के हम एक स्लरी बना लेंगे, उस स्लरी को हम लोग एक क्लीन कॉलम में डालेंगे, तो आपका क्या होगा, वो स्लरी बना हुआ है, ठीक है, तो वो अपने आप वहाँ धीरे 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 करके सेट होते जाएगा। तो ये आपका होता है वेट पैकिंग मेथड। देखिए ड्राई पैकिंग और वेट पैकिंग में अगर हम देखें तो हम वाइडली यूज़ करते हैं वेट पैकिंग मेथड का, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है कॉलम को प्रिपेयर करने का। इससे हमारा जो कॉलम बनता है वो बहुत ही अच्छा हमें यहाँ पर रिजल्ट मिलता है, तो इसीलिए वेट पैकिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कॉलम के प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इल्यूशन टेक्निक। इल्यूशन टेक्निक यानी कि हमें मोबाइल फेस को कैसे ऐड करना है। देखिए हमने यहाँ पर कॉलम बना लिया, ठीक है, आइदर हमने ड्राई पैकिंग से बनाया या फिर वेट पैकिंग से बनाया, लेकिन हमने कॉलम बना लिया। अब
कॉलम बनने के बाद हम उसमें सैंपल डालते हैं, ठीक है। सैंपलिंग हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उसमें हम एक सैंपल को डाल देते हैं। सैंपल डालने के बाद हम ऊपर से उसमें मोबाइल फेस डालते हैं ताकि हमारा जो सैंपल है वो नीचे की तरफ ट्रेवल करे, क्योंकि देखिए सैंपल वहाँ ऊपर में रहेगा, मोबाइल फेस हम डालेंगे तो मोबाइल फेस नीचे की तरफ मूव करेगा ग्रेविटी के कारण, तो वो उस सैंपल को लेते हुए नीचे मूव करता है, ठीक है। और जो सैंपल के कंपोनेंट्स हैं वो अपनी एफिनिटी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे ट्रेवल करते हुए बाहर आते हैं। तो ये होता है इल्यूशन टेक्निक। तो इल्यूशन टेक्निक में हम मोबाइल फेस को किस तरीके से डालते हैं, तो इसमें दो टेक्निक होते हैं, एक होता है आइसोक्रेटिक इल्यूशन टेक्निक, दूसरा होता है ग्रेडियंट इल्यूशन टेक्निक। आइसोक्रेटिक में क्या होता है, सेम पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट इज यूज्ड पूरे प्रोसेस के दौरान, पूरी क्रोमेटोग्राफी के दौरान हम लोग एक ही सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं एज अ मोबाइल फेस। लेकिन ग्रेडियंट में क्या होता है, सॉल्वेंट विद ग्रेजुअली इंक्रीज्ड पोलैरिटी इज यूज्ड। ग्रेडियंट में हम क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में सॉल्वेंट की पोलैरिटी को चेंज करते जाते हैं, या कहना चाहिए सॉल्वेंट को बदलते जाते हैं। हम धीरे धीरे हाई पोलैरिटी का सॉल्वेंट उसमें यूज़ करते हैं एज अ मोबाइल फेस, ठीक है। तो आपका ये जो आइसोक्रेटिक है इसमें सेम सॉल्वेंट का यूज़ होगा पूरी क्रोमेटोग्राफी में, ग्रेडियंट में हम इंक्रीज्ड पोलैरिटी का सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। तो ये आपके दो टाइप के इल्यूशन टेक्निक होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इसमें डिटेक्शन। हमने जैसे ही मोबाइल फेस डाला हमारा इल्यूएंट बाहर आ गया, इल्यूएंट में हमारा कोई ना कोई आइसोलेटेड कंपाउंड रहेगा। अब उस आइसोलेटेड कंपाउंड को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे टेक्निक होते हैं। मान लीजिए कलर्ड कंपाउंड है, कलर कंपाउंड आ रहा है हमारा, लाल कलर आ रहा है, नीला कलर आ रहा है, हरा कलर आ रहा है, तो कलर्ड कंपाउंड है तो उसे हम विजुअली देख के बता सकते हैं कि अलग अलग कंपोनेंट यहाँ पर सेपरेट हो गए हैं। मान लीजिए वो कलरलेस कंपाउंड है तो उस केस में हम लोग यूवी का यूज़ कर सकते हैं या फिर फ्लोरोसेंस का यूज़ कर सकते हैं, फ्लेम फोटोमेट्री का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड होते हैं जिससे हम कलरलेस कंपाउंड का भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये पूरा हमारा मेथडोलॉजी है एडसॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करने का। अब हम इसका वर्किंग देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो इस डायग्राम में हम देखेंगे, ठीक है, पहला आपका ये जो ट्यूब है या पहला ये जो आपका कॉलम है इसमें नीचे में एक स्टॉपर बना हुआ है। आपको ये जो ब्लू कलर के डॉट्स दिख रहे हैं ये आपके स्टेशनरी फेज हैं। मान लीजिए स्टेशनरी फेज में हमने सिलिका जेल लिया है, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर सिलिका जेल फिल किया है। अब हम क्या करते हैं, उसमें सैंपल को ऊपर डालते हैं। ये आपको जो ब्राउन टाइप का दिख रहा है ये आपका सैंपल है जिसमें हमारे दो तरह के कंपोनेंट प्रेजेंट है, एक रेड कलर प्रेजेंट है और एक ग्रीन कलर प्रेजेंट है। तो ये हमारा सैंपल हो गया, ठीक है। दूसरे में हम क्या करते हैं, उसमें मोबाइल फेस ऊपर से ऐड करते हैं, ठीक है। सैंपल के ऊपर हम क्या करेंगे, मोबाइल फेस ऐड करेंगे। मोबाइल फेस ऐड करते ही ये जो आपका सैंपल है वो सेपरेट होने लगेगा। स्टार्टिंग में ही आप देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर हरा रंग दिख रहा होगा और थोड़ा सा आपको लाल रंग दिख रहा होगा। तो मोबाइल फेस डालते ही क्या होता है, हम नॉब को खोलते हैं तो जो मोबाइल फेस है वो ग्रेविटी के कारण नीचे आने लगता है। नीचे आते टाइम ये क्या करता है, आपका जो सैंपल है उसको भी ये नीचे लाने की कोशिश करता है, लेकिन सैंपल अपनी एफिनिटी के अकॉर्डिंग नीचे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए मोबाइल फेस डालते ही क्या हुआ, हमारा जो दो कंपाउंड है, दो कंपोनेंट है, वो यहाँ पर धीरे धीरे सेपरेट हो गया। पहले में ये मिक्सचर था, एक ही में प्रेजेंट था जो भी था, और दूसरे में ये अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट में थोड़ा सा यहाँ पर सेपरेट हुआ है। नेक्स्ट में आपका क्या दिखा रहा है कि देखिए हमने यहाँ पर मोबाइल फेस तो ऐड हम कंटिन्यू करते जाते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे आपका क्या होगा, जो दोनों कंपोनेंट हैं वो अपनी एफिनिटी के अकॉर्डिंग नीचे की तरफ ट्रेवल करेंगे। जिसकी एफिनिटी कम रहेगी वो जल्दी बाहर निकलेगा क्योंकि उसको वहाँ पर कोई भी अट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए वो क्या करेगा, जल्दी से उस कॉलम से बाहर निकल जाएगा। तो आपका जो लो एफिनिटी का कंपाउंड है वो जल्दी ट्रेवल करेगा, उसका जो ट्रेवलिंग का रेट है वो फास्ट होगा। लेकिन जिसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी, हाई एफिनिटी का अगर कंपोनेंट है तो वो धीरे धीरे ट्रेवल करेगा क्योंकि स्टेशनरी फेस में इसे एक टाइप का अट्रैक्शन मिल रहा है, ठीक है। अट्रैक्शन मिल रहा है यानी कि जो कंपोनेंट है उसको स्टेशनरी फेस अपने में एड्सॉर्ब करते जा रहा है और वो धीरे 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 ट्रेवल कर रहा है। तो हाई एफिनिटी के कारण आपका जो ये वाला कंपोनेंट है रेड वाला वो धीरे धीरे ट्रेवल कर रहा है, इसीलिए ऊपर रह गया है, और जिसकी एफिनिटी कम है वो नीचे आ गया है जल्दी। नेक्स्ट में आपको क्या दिखा रहा है कि जो लो एफिनिटी वाला है, ठीक है, इसका जो ट्रैवलिंग रेट है वो ज़्यादा था, इसीलिए ये जो ग्रीन वाला है वो हमारे कॉलम से पहले बाहर आएगा,
ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ग्रीन कलर हमारा पहले बाहर आ रहा है, तो हम इसे एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लेंगे। तो इससे हम अपना ग्रीन वाले कंपोनेंट को यहाँ पर सेपरेट कर चुके हैं। नेक्स्ट में आपका क्या होगा, हम कंटिन्यू तो मोबाइल फेस डाल ही रहे हैं, तो ये आपका जो रेड वाला है वो भी धीरे धीरे नीचे आएगा, और नीचे आके फिर ये बाद में आपका इस कॉलम से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसे भी हम एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लेंगे। तो अब देखिए हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब हमें यहाँ पर मिल गए हैं, एक में हमारा ग्रीन कंपोनेंट है जो कि कॉलम से जल्दी बाहर आ गया था, और एक में हमारा रेड कंपोनेंट है जो कि धीरे धीरे बाहर आया था। तो इस तरीके से हमने मिक्सचर से हमारे दोनों कंपोनेंट को सेपरेट कर लिया है। इन दोनों को सेपरेट करने के बाद हम विजुअली बता सकते हैं कि ये ग्रीन वाला है तो ये एक पहला कंपोनेंट है, रेड वाला दूसरा कंपोनेंट है। मान लीजिए ये कलरलेस रहता तो कलरलेस के केस में हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक की तरफ में जाते, जहाँ पर हम यूवी फ्लोरोसेंस या और भी तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करके उस कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते थे। तो ये आपका एक वर्किंग मेथड होता है एडसॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी का। अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशन कि ये जो एडसॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी है उसको कहाँ अप्लाई किया जाता है, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन होता है। पहला पॉइंट है सेपरेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, अमीनो एसिड्स एक्सेट्रा। तो इसका यूज़ हम प्लांट एक्सट्रैक्ट के सेपरेशन के लिए करते हैं। मान लीजिए हमने कोई भी प्लांट लिया है, उसका हमने एक्सट्रैक्ट निकाला है। अब एक्सट्रैक्ट में तो ग्लाइकोसाइड भी हो सकता है, एल्केलॉइड भी हो सकता है, फ्लेवोनॉइड्स भी हो सकता है, बहुत सारे टाइप के उसमें कंपोनेंट हो सकते हैं। तो उन कंपोनेंट को उस एक्सट्रैक्ट से हमें अगर सेपरेट करना है तब हम इसका यूज़ करते हैं। हम यहाँ सैंपल में क्या करेंगे, अपना प्लांट का एक्सट्रैक्ट को लेंगे, और जैसे ही हम इसमें मोबाइल फेस ऐड करेंगे तो वो जो प्लांट का एक्सट्रैक्ट है वो अपनी एफिनिटी के अकॉर्डिंग उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो वहाँ पर सेपरेट होते जाएंगे। रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज, आइसोलेशन ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट, आइसोलेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स फ्रॉम बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। तो देखिए इसका यूज़ किया जाता है इम्प्योरिटी के रिमूवल के लिए। अगर आपके सैंपल में कोई इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट है तो वो भी यहाँ पर सेपरेट हो सकती है। ठीक है, तो इससे हम इम्प्योरिटी को भी रिमूव कर सकते हैं। इसका यूज़ किया जाता है एक्टिव कंस्टिट्यूएंट के आइसोलेशन के लिए, जैसे कि प्लांट एक्सट्रैक्ट का ही हमने एग्जाम्पल लिया, तो प्लांट एक्सट्रैक्ट में अगर हमारा कोई एक्टिव कंपोनेंट भी प्रेजेंट है उसे भी हम इस क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका यूज़ किया जाता है आइसोलेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स, बायोलॉजिकल फ्लूइड से अगर हमें मेटाबोलाइट्स को आइसोलेट करना है, कोई ड्रग मेटाबोलाइट है उसे हमें आइसोलेट करना है, तो उस केस में हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ प्लांट पिगमेंट्स। तो इसका यूज़ किया जाता है प्लांट पिगमेंट की एनालिसिस के लिए। प्लांट्स में बहुत सारे कलरफुल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, तो उसके सेपरेशन के लिए, आइसोलेशन के लिए, एनालिसिस के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये कुछ आपके बेसिक एप्लीकेशन है एडसॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी के। अब हम देखेंगे इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या क्या इससे हमें नुकसान है। तो आपका एडवांटेज में सबसे पहला पॉइंट है वाइडर चॉइस ऑफ मोबाइल फेस। इसमें हमें मोबाइल फेस का बहुत ही ज़्यादा चॉइस मिलता है, हम बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। एग्जांपल में भी हमने बहुत सारे मोबाइल फेस को डिस्कस किया है। ठीक है, तो हमारे पास एक बहुत ही बड़ा रेंज है मोबाइल फेस को सिलेक्ट करने का। दूसरा है इसमें सिंपल एंड लो कॉस्ट, ये आपका सिंपल प्रोसेस है, हमें बस स्टेशनरी फेस को फिल करना है और उसके बाद हम उसमें अपना सैंपल को डाल के उसे हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और साथ ही लो कॉस्ट का है, इसमें जो खर्चा आता है वो काफ़ी कम आता है। मोबाइल फेस के लिए हमें थोड़े पैसे लगाने पड़ सकते हैं तो जो इसका ओवरऑल खर्चा है वो काफ़ी कम आता है। ठीक है, तो ये लो कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड ईजली, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को भी हम इससे ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेज हैं। इसके अलावा इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे कि पहला है टाइम कंज्यूमिंग, ये आपका टाइम कंज्यूम करता है, क्योंकि देखिए जो भी आपके कंपाउंड है वो एफिनिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेवल करेंगे और सेपरेट होंगे। अब मान लीजिए किसी का एफिनिटी कम है तो वो तो जल्दी निकल जाएगा, लेकिन किसी का एफिनिटी बहुत ज़्यादा है तो उसे कॉलम से बाहर निकलने में भी बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये जो प्रोसेस है आपका ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है कभी कभी। नेक्स्ट है सॉल्वेंट में भी एक्सपेंसिव, कई बार हमें एक्सपेंसिव सॉल्वेंट का यूज़ करना पड़ता है कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए। नॉर्मल सॉल्वेंट से हम उसे सेपरेट नहीं कर पाते हैं, या सेपरेशन के दौरान अगर मान लीजिए एफिनिटी ज़्यादा है तो हमें बहुत देर तक उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहेगा, और पूरे प्रोसेस के दौरान हमें कंटिन्यूसली उसमें मोबाइल फेस ऐड करना रहता है। ठीक है, तो मोबाइल फेस का अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये प्रोसेस थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। नेक्स्ट है
सम कंपाउंड्स परमानेंटली रिटेन ऑन स्टेशनरी फेज. कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो कि स्टेशनरी फेज में परमानेंटली सेट हो जाते हैं या वहाँ जम जाते हैं, रिटेन हो जाते हैं, ठीक है. तो ऐसे कंपाउंड्स को सेपरेट करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है. इस टाइप के जो केसेस होते हैं जिसमें आपका कंपोनेंट अगर स्टेशनरी फेज में रिटेन कर गए, तो इस कंडीशन में ये इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है. तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एडसॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी. आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.